पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे को समझना और समय रहते एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है, जानिए इस कहानी से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारी प्लेट्स गिर रही थी और उल्टियां भी हो चुकी थी, आईसीयू में थी। थैंक गॉड बच्चे वक्त रहते अस्पताल ले आए, वरना। ड्यूटी डॉक्टर मेरी तरफ इकारत से देख रहे थे। मैं किसी अजनबी सा शून्य में खो गया। तुमने कभी अपनी बीमारी, दर्द, तकलीफ को मेरे सामने नहीं दिखाया और ना ही काम करने में लापरवाह की, और मैं यही समझता रहा कि सब ठीक है। शादी के बाद से ही तुम्हारे यह सपनों को मुट्ठी में कैद करने की बातें मुझे बचकानी बेबुनियाद लगती। रियल लाइफ से दूर की बातें कभी तुम्हारे साथ उड़ने की कोशिश नहीं की मैंने। तुमने घर बाहर की जिम्मेदारी से मुझे मुक्त कर दिया तो मैं आराम तलब होता चला गया। चाय, टॉवेल, कपड़े, खाना सब हाथ में देती तुम। जब मैं ऑफिस से घर आता, चाय पिलाती और मैं अपने दोस्तों से मिलने निकल जाता। उस दिन मुझे बुखार था तो मेरी तीमारदारी में लग गई थी। खुश भी थी कि मैं अब तुम्हारे साथ आसपास रहूंगा। कुछ देर ही सही, पर बुखार उतरते ही मैं काम पर निकल गया। तुम्हारा उतरा चेहरा आज भी मेरे सामने है। मुझे सब ढकोसला लगता, टेंशन लेना, परेशान होना, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग दिलाना, उनके लिए भाग दौड़ कराना। तुम अपने सपनों और भावनाओं को मार कर मेरे साथ हर क्षण खुशी से बिताना चाहती थी। निर्विकार सा मैं काम में ही डूबा रहता था। कभी समय मिला भी तो मित्र, नाते, रिश्तेदार ही मेरे लिए विशेष रहे। तुम मुझे मेरी जिम्मेदारी समझाती, कभी झुंझला कर लड़ भी पड़ती थी, पर 2 ही मिनट बाद मेरी टाई ठीक करने लगती और मैं तुम्हें दकियाता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता। क्या जाने तुम पर क्या बीतती होगी। जब तुम छुट्टी वाले दिन मेरे सिर की मालिश करती तो मुझे अपनी किस्मत पर नाज होता, लेकिन तुम्हारी चाट की फरमाइश पर तुम्हें चटोरी बोल दिया था और वो तुम्हारी आखिरी फरमाइश साबित हुई। उसके बाद से तुमने मुझसे कभी कोई चीज नहीं मांगी। तुम्हारे आंसू जैसे मेरे ईगो को ही बूस्ट करते और मैं सोचता औरतें आंसू लाकर पुरुषों को डराने की कोशिश करती है, पर मैं फंसूंगा नहीं। तुम्हारे निष्काम कर्तव्य का पालन नतीजा यह हुआ कि बच्चे तुमसे जुड़ते गए और मुझसे दूर होते गए। जब दोनों रिजल्ट या मेडल लाते तो सबसे पहले तुम्हें ही लाकर दिखाते। मेरे परिवार वाले भी तुमसे हमेशा खुशी रहते थे। मेरी बहने को भी स्नेह, परवाह की आशा तुमसे ही रहती थी। तुम्हारी गुहार मेरी माँ सुनती थी, बस वहां तुम मन हल्का कर सकती थी। मेरी निष्ठुरता से उबरने के लिए तुमने कभी किट्टी पार्टियां भी शुरू कर दी, लेकिन मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता था क्योंकि मुझे यह बेवजह समय और पैसे की बर्बादी लगती। मेरे लिए यह सब चोचले होते। परिणाम वही हुआ, प्रौढ़ावस्था में अकेला तथा तिरस्कृत महसूस करने लगा और बच्चों के साथ तुम और मजबूत हो चुकी थी। फिर भी मेरी परवाह थी तुम्हें। अब बस यह अंतर आ चुका था कि जिस सानिध्य के लिए तुम तरसती थी उसके लिए अब मैं तरसने लगा, क्योंकि जब भी मैं चाहता तुम मेरे आसपास रहो। तुम किशोर हो रहे बच्चों से घिरी उनकी कोई समस्या सुलझा रही होती। अब बच्चे भी अपनी अपनी जॉब में खुश है। इतने सालों की चुप्पी या यूं कहे तिरस्कार से तुम खुद को सिमटा चुकी थी। तुम्हें 3 दिन से चढ़ रहे बुखार को भी मैं देख नहीं पाया। जब रविवार को बेटा घर आया तो उसने तुम्हें एडमिट करवाया। अब तो बच्चों को भी मैं हर पहल को उनकी माँ को नकारने वाली वस्तु लगने लगा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। जिंदगी भर मैं खुद को तृप्त समझता रहा और तुम तृषित रही। आज मैं तृषित हूँ, तुम तृप्त दिखाई दे रही हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।